आज दिनांक 1 मार्च 2021 का दिन, आज शहर आगरा में विश्व हिंदू परिषद के समरसता विभाग द्वारा गुरु रविदास जी की जयंती मनाई गई। आइए जानते हैं क्या कहना है इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों का गुरु रविदास जी जयंती के उपलक्ष्य पर। आज जो आपका कार्यक्रम किया जा रहा है, किस संबंध में किया जा रहा है? रविदास जयंती उपलक्ष्य में किया जा रहा है, समरसता के विश्व हिंदू परिषद का जो एक समरसता विभाग है उसके अंतर्गत ये समरसता का कार्यक्रम है, जिसमें हमारी रविदास जयंती तो लोग आज यहाँ पर नहीं पूरे भारतवर्ष के अंदर जयंती मनाई जा रही है, तो आप आज इस जयंती के उपलक्ष्य में क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? मेरा नाम मदन वर्मा, विश्व हिंदू परिषद का आगरा विभाग का अध्यक्ष। इस संदर्भ में समाज को संदेश देना चाहते हैं कि समाज के अंदर जो जाति का जो भेद है वो समाप्त होना चाहिए, और समरसता का कार्यक्रम का मतलब ही यही है। रविदास जी ने जो अपने जीवन के अंदर जो काम करा तो समाज के अंदर से छुआ छेद मिटाने का काम करा, और संत किसी समाज का नहीं होता, किसी जाति का नहीं होता, वो सर्व समाज का होता है। इसलिए समाज के अंदर इस जयंती के द्वारा यही संदेश देना चाहते हैं कि इसी जातिवाद के कारण जो भारत 1250 वर्ष गुलाम रहा, इस गुलामी के काल खंड को खत्म करना चाहते हैं, और जितना भी जातिवाद जो समाज के अंदर फैला हुआ है उस जातिवाद को समाप्त करने के बाद में सर्व समाज, मैं कौन हूँ, हिंदू हूँ, हम सब कौन है, हिंदू है, इस विचारधारा को लेकर इस जयंती का आज आयोजन किया गया। दर्शकों, आपको हमारा चैनल कैसा लगता है हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके। दर्शकों, हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर जो समस्याएँ, जो गरीबों के साथ अत्याचार होते हैं, उनके विषय में हम भारत सरकार को अवगत कराएं, जिससे कि उन समस्याओं का निवारण हो सके और जो गरीबों के साथ हो रहे अत्याचार उन पर प्रतिबंध लग सके। दर्शकों, हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर जो भी नागरिक हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी लोग प्रेम भाव से रहें और किसी के साथ में भी किसी प्रकार का कोई अत्याचार ना हो। हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े और विश्व में नंबर 1 हो। और इसी के साथ नमस्कार।